हाय गाइस, मैं मोहम्मद हैदर इमाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एनएच कॉलेज नबी नगर। आज मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एनाटॉमी से एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन बिहेवियर। एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ एक आउटस्टैंडिंग ग्रोथ होता है जो कि नॉर्मल नहीं होता है। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें किस तरह के ग्रोथ मिलते हैं, आज हम बिहेवियर का चर्चा करेंगे। बिहेवियर डिफ्यूजा ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कॉमनली पुनर्नावा कहा जाता है। एक मेडिसिनल प्लांट्स को बिलोंग करता है। वैसे प्लांट जो कि एमरेंथेसी फैमिली, चिनोपोडियेसी, बेगनोनियेसी, निक्टाजिनेसी, हाइपरेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसमें वैस्कुलर बंडल्स मेडुला में पाया जाता है। ये वैस्कुलर बंडल्स मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। आज हम लोग जो है देखेंगे कि बिहेवियर स्टेप पे एनोमेलस सेकेंडरी थिकनेस कैसे होता है। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिए बिहेवियर स्टेम का, एपिडर्मिस है जो कि सिंगल लेयर का बना हुआ है। पेरिकाइमेटस, बहुत सारे मल्टी सेलुलर हेयर्स है एपिडर्मिस के चारों तरफ। इसके नीचे हाइपोडर्मिस है, दो या तीन लेयर का होता है, सेल थिक होता है। ये कोलेनकाइमेटस है। इसके बाद कॉर्टेक्स है जो कि पेरिकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी है इसमें। फिर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। पेरिसाइकल जो है वो एक या दो लेयर का बना हुआ है। वैस्कुलर बंडल्स तीन रिंग्स में प्रेजेंट है, दो लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और मिडिल रिंग ऑफ 6 to 14 लूजली अरेंज एंड मीडियम साइज्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। बाहर की तरफ इन आउटर रिंग ऑफ 15 to 20 स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो इस तरह से तीन रिंग है वैस्कुलर बंडल्स के। जितने वैस्कुलर बंडल्स हैं वो सब कंजॉइंट एंड ओपन होते हैं। कंजॉइंट का मतलब है कि जाइलम फ्लोएम साथ साथ है। प्राइमरी जाइलम एंडार्च है। एंडार्च का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम जो अंदर की तरफ होता है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। ये देखिए स्टेम का पूरा सेक्शन है। इसमें तीन रिंग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, दो बीच में बड़े वैस्कुलर बंडल हैं, इसके बाद एक रिंग है वैस्कुलर बंडल का, फिर बाहर आउटर साइड में और रिंग है वैस्कुलर बंडल्स का। अब सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ बोगेनवेलिया स्टेम में भी पाया जाता है। यहाँ हम लोग बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो सक्सेसिव रिंग्स हैं एक्सेसरी कैम्बिया के। प्राइमरी ग्रोथ के बाद वैस्कुलर बंडल्स, मिडिल रिंग का जो वैस्कुलर बंडल्स है वो इंक्रीज करता है इसका थिकनेस। जिसे फैसिकुलर कैम्बियम
में मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स में, और उसका थिकनेस जो बढ़ता है। मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स में किसी तरह का थिकनेस नहीं दिखाई देता है। जितने भी सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं वो आउटर रिंग वैस्कुलर बंडल्स के आउटर रिंग में देखे जाते हैं। मेडुलरी रिंग, आउटर रिंग, मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स में नहीं दिखता है। फैसिकुलर और इंटर फैसिकुलर कैम्बियंस आउटर रिंग्स के वो ज्वाइन करते हैं, एक रिंग बनाते हैं कैम्बियम रिंग, और ये रिंग अंदर की तरफ जाइलम बाहर की तरफ फ्लोएम को काटता है सेकेंडरी, और इस तरह से थिक सेकेंडरी टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। इंटरनली सेकेंडरी जाइलम और एक्सटर्नली सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप करते हैं। इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ बनता है होता है और प्लांट्स का थिकनेस बढ़ता है। लेकिन कैम्बियम का ये जो एक्टिविटी है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ देर के बाद ये एक्टिविटी सीज हो जाती है। ये देखिए, ये है एक छोटा सा सेक्शन लिया गया है जो हाई पावर में मैग्नीफाइड सेक्शन है सेकेंडरी ग्रोथ का। ये देखिए, कई कंसेंट्रिक रिंग्स डेवलप करते हैं। इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ लोअर हावियर में देखा गया, लोअर हावियर के स्टेम में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।